यूं तो हम सब की जिंदगी अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसा नाटक जिसमें हम सभी पात्र बने अपनी अपनी मंजिल को खोज रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोगों के मंजिल तक पहुंचने का सफर रोमांचक होता है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें ऐसे मकाम पर पहुंचाती है जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मिसाल बन जाए। आरोहण की कहानी ऐसी ही कुछ महत्वाकांक्षी लड़कियों का चित्रण है। Good morning, CN3. Good morning, good morning. निखिल, इस घर में सबसे स्ट्रिक्ट तुम्हारे डैड है, फिर तुम मुझे क्यों CN3 कहते हो? एक्चुअली मॉम, कहना तो मैं उन्हें ही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उनको देखते ही मेरी जुबान बंद पड़ जाती है, इसलिए आपको CN3 कहकर मैं अपने दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ। लेकिन माँ, डैड भी कई मामलों में बहुत ढीले पड़ जाते हैं, मसलन निकी। क्यों? एकदम बिगड़ गई। क्या किया उसने? अभी तक वो जॉगिंग से वापस नहीं आए क्या? जॉगिंग? हाँ? जॉगिंग छोड़िए, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, वॉर, वो सब कुछ फेस कर रही है अपने सपनों में। मतलब? मतलब मैडम अभी तक उठी नहीं है। हे भगवान, ये लड़के तो आज निकी की खैर नहीं। इतनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया? ये है निकी, निकिता सचदेव। सचदेव परिवार की सबसे छोटी, सबसे लाडली और शायद सबसे बिगड़ी बेटी। इनका सपना है फौज में जाने का, और ये फौज में जा भी सकती है, बशर्ते एक दिन, बस एक दिन सही वक्त पर। ये है कर्नल अरुण सचदेव फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट, यानी निकिता के पिता। इनको सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, एक डिसिप्लिन और दूसरा अपनी छोटी बेटी निकिता। पर इनकी जिंदगी की सिर्फ एक ही व्यथा है कि अपने घर में सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों का मिलन कभी नहीं हो पाता। ये है सानिका सचदेव, निकिता की माँ। कॉलेज में लिटरेचर की प्रोफेसर है,
और इनकी सिर्फ यही कोशिश है कि इनके बच्चों में किसी भी कीमत पर कला और संस्कृति का निरंतर विकास हो। ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर निखिल सचदेव, निकी के बड़े भाई और दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त। निकी जितना इनसे झगड़ा करती है उतनी ही इनकी इज्जत करती है, और जितना ये निकी को चढ़ाते हैं उतना ही उससे प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया में निकी के इकलौते दोस्त। कभी नहीं होता। अरे देख, तू चाहता ही नहीं है कुछ होए। हाय वेलकम। लेट लती? लेट लती? और नहीं तो क्या, आज तुम डेढ़ घंटे लेट हो। यस। लेकिन कल ढाई थी, तो क्या कोई कंसेशन है बॉस? जी हाँ, मैंने सोचा आप पे मेहरबानी कर दूं। मेहरबानी? स्वीट। बताओ हम लोग क्या बातें कर रहे थे। क्या क्या? अरे देवेन, क्यों अपनी हंसी उड़ाना चाहता है तू? नहीं नहीं, बताओ ना। बताओ। हम बात कर रहे थे एस्पिरेशन की, एम्बिशन की। एस्पिरेशन और एम्बिशन आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा? फॉर एग्जाम्पल, यही पर है कब से? नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम लिंकन, देखो दो शादी की, दोनों बार बीवी भाग गई। ये एम्बिशन है? नहीं नहीं, सुनो, तीन बार बिजनेस सेटल किया, लेकिन वो भी ठप, एकदम ठप। फिर 60-70 साल पर पहुँच के भाई साहब प्रेसिडेंट बने गए। भाई साहब बन गए? बने या नहीं प्रेसिडेंट? एम्बिशन था या नहीं बनने का? बन गए ना। और पता है क्यों बने? पता है क्यों बने? क्योंकि वो जब 20-22 साल के थे ना, तब यूं गार्डन में बैठ के एम्बिशन और एस्पिरेशन के बारे में चर्चा नहीं करते थे तुम्हारी जैसे। तुम तो अपनी पूरी एनर्जी उसी में वेस्ट कर रहे हो। देखना 25 साल के बाद तुम यही पर बैठ के सिर्फ एम्बिशन और एस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो। ये तो डेफिनेटली इधर ही बैठा मिलेगा। मैंने कहा था ना इनसे कुछ मत कहो। अरे मैं सही बात तो कह रही हूँ यार। बिल्कुल सही आ रही है। क्या सही कह रही है? क्या सही कह रही है यार? तुम में अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है ना, तो इस देश के प्रेसिडेंट बनके बताओ। बताओ। यस। देश में आ गए एकदम। दिस गर्ल इज डोंट दिस गाइस। यार देखो इनका। इस यानी तेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एम्बिशन है तो प्रेसिडेंट बनना, और कुछ नहीं तो क्या? भैया जो जहाँ रहता है ना, वहाँ पे हुकूमत चलाने का उसके सर पे भूत सवार रहता है। अरे तो घर में चलाओ। ओके ठीक है, ओके वी ऑल डिसाइड ओवर हियर। आज हम डिसाइड करते हैं कि हम सब देश के प्रेसिडेंट बने। हमारे में से कोई एक ही प्रेसिडेंट बन सकता है ना? हाँ आपको याद है, समझती तो है, थैंक गॉड। इसका मतलब बाकी सब जो नहीं बने प्रेसिडेंट वो सब फेलियर्स हैं। मतलब तुम्हारा कहना क्या है कि हम सब फेलियर हैं? तू तो है ही। अयो, गिव मी ब्रेक गाइस, जस्ट शट अप। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, एडल्ट हो गए, और अभी तक बच्चों जैसी फोड़ बातें कर रहे हो तुम। हैव यू एवर ट्राइड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, सेल्फ एनालिसिस किया है कभी? मकसद चाहिए जिंदगी में, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मकसद? ऑफ कोर्स। चलो तुम ही बोल दो कि तुम्हारे जिंदगी में कितने ढेर सारे मकसद हैं। जो ढेर सारे होते हैं ना उन्हें ख्वाब कहते हैं। अजय मकसद हमेशा एक ही होता है। ओके लाइक बताओ। क्या यार, मैं बाद में बताऊंगी। है मकसद छोड़ना नहीं की। क्या कोई फिल्म विम देखते हैं यार? अरे चलो यार फिल्म चलते हैं। याद है वो इला ने चार टिकटें लिए 9 बजे की शो की? फिल्म कहा था उसी के लिए। मैंने यार फिल्म देखी। क्यों? अरे पता है तू नहीं आएगी तो तेरी टिकट भी किसने निकाली है? ऑफ कोर्स यार। चलो सी यू लेटर, आई विल सी यू टुमॉरो। बाय। फोन करूंगी। बाय बाय। ए ये लोग तो गए वॉर फिल्म देखने। चल मेरे घर पे जाते हैं, हम लोग कार्टून देखेंगे। हाँ उसमें मकसद होएगा। मकसद भी देखेंगे ना जितेंद्र का। तैयार कर। Thank you.
भारत माता की जय। क्या बोल रही है क्या लिखी? तू सरक गई है क्या? ठीक तो होना तू? क्या पागल बन कर रही थी? नहीं, I'm fine. It's just, मैं सब ख्वाब देखने लगी थी कि हम सब लोग एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। यार इसकी वॉर फिल्म देखना बंद करो, नहीं तो ये जहन जहन करके ना हम सबको पिटवाएगी। निवेद, लेकिन निकी, तूने अपने गले से ये चेन तोड़कर मुझे क्यों दे दी? ओह गॉड, ये तो 100% पागल होगी। तुम क्या फ्रंट पे जाने की तैयारी कर रही हो निकी? As a matter of fact, yes. क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं फौज ज्वाइन करूंगी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। क्या कहा? मैंने मामा से कहा नमक दो। नहीं, इससे पहले क्या कहा? यही कि मैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने वाली हूँ। और जब फौज की ट्रेनिंग के लिए जाओगी तो पता है क्या होगा? हर सुबह उठकर सीओ के सामने पैर पटकोगी और कहोगी, शह तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जॉगिंग मिस हो गई। और सुबह उठकर बिस्तर ठीक करने के लिए तू वीर सिंह को साथ ले जाएगी। हा? और इसे यूनिफॉर्म पसंद आने निखिल तो पहनने से मना ही कर दे। और सानू, नाश्ते से पहले नहाने की जरूरत थोड़ी है, ये तो बिना नहाए चली जाएगी। और भाई अगर म्यूजिक सुनने का मूड हो तो ट्रेनिंग तो गई इसकी। तू क्यों हंस रहा है पागल? माँ, हमारा शूज क्या छे? तू कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, कॉस्मेटिक्स की दुकान तक जा रही हूँ, लिपस्टिक बाय करनी। लिपस्टिक? इतनी सारी लिपस्टिक पड़ी है कबाड़ में। आज शाम को पार्टी में जो ड्रेस पहना है ना, उसकी मैचिंग शेड नहीं है। हे भगवान, ये लड़की अपने वर्क का पूरा सत्यानाश ही कर डालेगी। हाँ। रेवा देने कांता शाम आटे कचकच करे छे। इला, टेलीफोन देना और वो मेरा पान का डिब्बा। जी। अरे, मारा शूज पर नहीं है अच्छे। पापा। टाटा। अरे इला, संभाल संभाल इला, महेश काका तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए। अपनी नात का लड़का है, अने अच्छे घर का है। मुझे शादी नहीं करनी है। लो, अभी नहीं करेगी लगन, फिर कब करेगी? वाल सफेद हो जाने के बाद? सामलो इला, ए लोगो तुम्हारे माटे आईया रविवार आओ से किशोर काका ने घर, समझी? पापा, व्हाई डोंट यू टेल हर समथिंग? बेटा, एक बार जोवामा शू वांदो छे? एक बार छोकरे को देख लो, पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो नो प्रॉब्लम। हमने कहा तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। हेलो, गुणवंत राय। आई एम गोइंग आउट मामा। सुनीला, तेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, अब दोस्तों के साथ भटकना बंद कर और घर के काम में मन लगा, समझी? इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में, बाद में, बाद में, बदु बाद में, पछे आज क्या करेगी? अभी तो लिपस्टिक लेने जा रही हूँ, आगे क्या करना है बाद में सोच लूंगी। हेलो। हेलो, हाँ टिंकू, मैं बाबा बोल रहा हूँ। बाबा, केवल अच्छो? हाँ वो मैं ठीक हूँ, सुनो। अच्छा वो मेरा बाबा, मिसिंग योर लॉर्ड, अब वापस कब आ रहे हैं? अरे वो दैट्स वेरी अनसर्टेन। अच्छा बाबा, प्लीज जल्दी आओ ना, आई गेट वेरी बोर्ड ओवर हियर। अरे आई विल ट्राई, यू नो आई एम बाबा। प्रिंसी सिंह, हाय टू यू। या बेबी, शट अप विल यू। ये क्या बकवास लगा रखी है प्रिंसू? प्रिंसू, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं सिंगापुर से फोन कर रहा हूँ, पैसे बर्बाद होते हैं। एंड लिसन टू मी, मेरा वो ONC से डॉक्यूमेंट आया कूरियर से? हाँ, वो आज आया है। गुड, तो एक काम करो, सारे पेपर मुझे फैक्स कर दो अभी। मेरा फैक्स नंबर है तुम्हारे पास? जी। ओके गुड। पापा, बाबा के पेपर्स आए, वो फैक्स कर दो, नंबर डाल दो।
हेलो निवेदिता, हाँ मैं निकी बोल रही हूँ। हाँ निकी। सुनो मुझे अर्जेंटली मिलना है तुमसे, बहुत जरूरी काम है। अभी रात को 12 बजे मैं कहाँ हूँ? अरे यार मैं अभी की नहीं बात कर रही हूँ, कल सुबह की बात कर रही हूँ। हाँ कल सुबह ठीक 9 बजे वहीं आके मिलना। इला भी आ रही है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है लेकिन मैं फोन के ऊपर से नहीं बता सकती। अरे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, अभी फोन पर क्यों नहीं बता सकती? यार हम लोग वो उस दिन बात कर रहे थे ना, वही मिल गया है। क्या मकसद निवेदिता, मकसद? न्यूज़पेपर देखकर अगर मकसद पता चला हुआ तो फिर तो सोशल सर्विस होगा। ए प्लीज ना, मैं किसी रोड पे झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊं। ए लिसन टू मी ना, सुनो हम लोग कल बात कर रहे थे ना कि किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जो नया है। जसवीर वेलकम टू द इंडियन नेवी। नेवी में औरतों की भर्ती शुरू हो गई है। आज तक तीनों सर्विसेज में औरतें सिर्फ डॉक्टर्स की पोस्ट पे हुआ करती थी ना, लेकिन अभी लॉजिस्टिक्स, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ATC, लॉ, एजुकेशन, ऐसे सारी ब्रांचेस खुल गई है। वाओ, लॉजिस्टिक्स। लेकिन ये लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स मतलब बेस मैनेजमेंट है, अब पक्का पता नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। एक मिनट, नेवी यानी पानी। हाँ मुझे पानी से डर लगता है, इसलिए मैंने स्विमिंग नहीं लर्न किया, याद है ना? यार तुझे पानी के अंदर तो नहीं ना काम करना है, मरीन डाइवर तो नहीं ना बनना है तुझे? हाँ ओके फाइन, ठीक है ठीक है। लेकिन सुनो, अगर आज मिस कर गए ना तो हमें डायरेक्टली अगले ही साल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। Are you crazy or something? पागल? इतने स्टाफ पोजीशन कैसे ले सकते हैं हम लोग? मैंने तो ले लिया कल रात को ही, अब तुम दोनों डिसाइड करो। ए प्लीज निकी, आई मीन कुछ डिटेल्स तो बोलो। अच्छा सुन, हम जब अप्लाई करेंगे ना उसके बाद हमें एक रिटन एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें SSB के लिए बुलाएंगे। यानी सोशल समथिंग समथिंग? नहीं समथिंग समथिंग नहीं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सेम थिंग ना? नहीं यार सुन, अभी तो वहाँ पे है ना तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स हमें इंटरव्यू करेंगे और उसमें अगर हम लोग पास हो गए तो फिर ट्रेनिंग के लिए सीधा गोवा। व्हाट फन, रिसॉर्ट्स, बीच, सन, यूहू, पिकनिक। फिर वहाँ क्या होगा? फिश होगा, यहाँ पे प्रॉन्स होंगे, लॉबस्टर होंगे। मैं कह रही हूँ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, नेवल अकेडमी होगी ना वहाँ पे। सो बोरिंग निकल। अच्छा ट्रेनिंग तो हो जाएगी लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ क्या यार तुम, यहाँ पूरे लाइफ कमिटमेंट की बात कर रही हो, तुम पूछ रहे हो ट्रेनिंग के बाद में क्या? ओके लिसन, लेट्स टॉक सीरियसली। डिसीजन आज ही लेना है। हाँ यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है? नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। व्हाट अबाउट यू, इसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? आई डोंट नो, आई थिंक मैं पहले अप्लाई कर दूं और बाद में बताऊं। या फैंटास्टिक, कैन यू डू दैट? ओह वंडरफुल, तो मेरे घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी भी प्रॉब्लम नहीं है, निवेदिता तुम्हारी? How does it really matter? How does it matter to anybody? Hey, देख मेरे और इलाके होते हुए तुमने ऐसे सोचने का हक नहीं है। So, what do you say? Should we go for it? हाँ? नहीं, मेरी कसम नहीं, ऐसा होता है सीटी लेंगे ना। निखिल, हाउ गुड आर यू विद सीक्रेट्स? मतलब मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो तुम सीक्रेट रख पाओगे? ये तो बात पे डिपेंड करता है। ओके इन दैट केस, मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया है। क्या कहा? Navy, you know, one of the 3 services, वो पानी वाली लड़ाई and stuff. चुप, कब किया अप्लाई? 15 दिन पहले। अच्छा 15 दिन हो गए और तुम मुझे आज बता रही हो? मैं one second. हाँ। कमाल है, मॉम और डैड ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे बताया, उन्हें थोड़ी ना पता है। क्या तुमने मम्मी डैडी को नहीं बताया? नहीं पता। क्यों? निखिल यार कम ऑन, मैं उन्हें ना सरप्राइज देना चाहती हूँ। देखिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये कोई सरप्राइज देने का तरीका है? कम ऑन यार, तुम्हारे फादर मदर जिंदा है और तुमने ये नहीं बताया उनको? निखिल, जस्ट लिसन टू मी यार, एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस दिन हमने ये पढ़ा ना उस दिन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, इसलिए हमारे पास इतना समय ही नहीं था कि हम अपने मम्मी डैडी को बता सके। वन सेकंड, हम मतलब मैं, इला और निकिता। अच्छा तो आप तीनों ने अपने घर वालों को नहीं बताया? एक्सक्यूज मी निकी, आप लोगों ने सर्विसेज को मजाक समझ रखा है? एक कम ऑन यार निखिल, एटलीस्ट मेरे बारे में ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना कि शुरू से मुझे फौज ज्वाइन करनी थी, अब डैड आर्मी में है, तुम एयरफोर्स में हो, तो मेरे लिए तो नेवी ही बचाना। एंड जस्ट टेल मी, व्हाई शुड डैड ऑब्जेक्ट टू दिस? निकी वन सेकंड, नो जस्ट टेल मी व्हाई शुड ही ऑब्जेक्ट? हमारे यहाँ 3 जनरेशन फौज में है ना, मेरे लिए तो ये नेचुरल चॉइस बन गया। निकी जरा समझदारी से काम लो, देखो
कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हर एक एक्शन का अपना एक तरीका होता है। अब तुम्हारे लिए कदम सही है या गलत है इसके बारे में तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारी इस नासमझी से लोगों को यह गलतफहमी हो जाएगी कि तुम्हारे मन में तुम्हारे पेरेंट्स के प्रति कोई लिहाज नहीं है। तुम उनको इतनी अहमियत नहीं देती हो कि तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन में तुम्हें इन्वॉल्व करो। तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती अभी। देखो निकी, मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, है ना? Hey, we're friends, all right? Okay? अब जितना प्यार मैं तुमको करता हूँ और कोई नहीं करता, जितना मैं तुम्हें समझता हूँ कोई नहीं समझता। लेकिन जब तुमने मुझे ये न्यूज़ बताई तो तुमने मेरा रिएक्शन भी देखा। देखो, एसएसबी का लेटर आने से पहले तुम्हें मम्मी डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए। यार निखिल, तुमने ये सब कुछ कहकर मुझे इतना नर्वस कर दिया, मुझे डर लग रहा है। बता दे, सॉरी। सोल्जर्स को डरना अलाउड नहीं है। वेरी फनी। देखो, मुझे लगता है हमें अभी चलना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए। मामा, निखिल तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूं। डैड, नेवी में अप्लाई किया था तुमने? हाँ मामा। हमें पूछना जरूरी नहीं समझा? मामा वो समझती क्या हो तुम अपने आप को? आज से अपने सारे फैसले तुम खुद करोगी क्या? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं? एक ग्रेजुएट क्या हो गई, इतना ईगो पैदा हो गया तुम्हें? हमने तुम्हें इतनी छूट दी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें नजरअंदाज कर दो, हमारा लिहाज ना करो। डैड, मैंने तो सिर्फ नेवी के लिए अप्लाई किया है, कोई चोरी तो नहीं की? शट अप, ज़बान संभाल के बात करो लड़की। हमसे पूछे बिना तुम नेवी में अप्लाई करी कैसे सकती हो? आज तक हमने तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हम मर गए। डैड सुनो सानू, ये लड़की नेवी में नहीं जाएगी। लेकिन डैड, डोंट आर्ग्यू विद मी यंग लेडी, व्हेन आई से यू आर नॉट गोइंग मतलब तुम नहीं जाओगी।